प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 27 दिसंबर को मंडी में आयोजित होने वाली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को संबोधित करेंगे। इसको लेकर सभी में खासा उत्साह और उत्सव का माहौल है। ये बात भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी नरेंद्र अत्री ने कही। उन्होंने कहा कि इस रैली के लिए आम जनमानस में उत्साह देखते हुए भाजपा के बूथ के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश सरकार इसके सफल आयोजन को लेकर गंभीरता पूर्वक जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है, ताकि भारी संख्या के बावजूद व्यवस्थित व ऐतिहासिक रैली हो सके। यही नहीं, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी प्रदेश भाजपा व भाजपा सरकार के साथ मिलकर रैली की तैयारियों के हर पहलू पर गंभीरता पूर्वक योजना बना रहे हैं व कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में प्रदेश भर से लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में बैठकों में कार्यकर्ताओं की संख्या निर्धारित की जा सके, इस पर भी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को 4 साल में सभी वर्गों का ध्यान रखने और विकास में गति प्रदान करने का भी काम किया है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के अंदर राष्ट्र में विकास की रफ्तार को पकड़ा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जहां दुनिया के अन्य देशों की व्यवस्थाएं चरमरा गई, वहीं श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में पूरा प्रयास केंद्र व प्रदेश सरकार ने किया कि कम से कम नुकसान आम जनमानस का हो, गरीब आदमी तक चाहे वो राशन पहुंचाने की बात हो, चाहे दवाइयां पहुंचाने की बात हो, या जीवन को सुचारू तौर पर चलाने का प्रयास की बात हो, हर दृष्टि से सकारात्मक प्रयास प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार ने किया है। अब जब उनका हिमाचल का दौरा है और हजारों करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जाएंगे, तो इन सारी चीजें को लेकर हिमाचल की जनता में उत्साह का माहौल है, हिमाचल के कार्यकर्ता में उत्साह का माहौल है और ये रैली शानदार रहने वाली है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कितने लोग जा रहे हैं? देखिए, हर मंडल को अपना अपना लक्ष्य दिया गया है। जैसा मैंने कहा, हमीरपुर जिला से हमारे 6,000 लोग जा रहे हैं। संगठनात्मक जिला देहरा की बात यदि मैं करूं, जिसमें जसवां, परागपुर, ज्वालामुखी व देहरा मंडल है, लक्ष्य लगभग 1500 कार्यकर्ताओं का था, पर कल मैं बैठकों में खुद मौजूद था, तो बैठकों में कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था वो और जो आंकड़े बैठकों में आए, तो उससे स्पष्ट है कि वहां 2,000 से अधिक संख्या वहां जाने वाली है। तो अच्छी संख्या इस रैली में प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव से रहने वाली है।